हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसे सो कॉल्ड फ्रेंड्स जरूर आते हैं जिनके साथ रहकर आपको लगता है कि आपका यूज किया जा रहा है। कई बार तो उनका टॉक्सिक बिहेवियर आपको अपने ही नेचर पर डाउट करने पर मजबूर कर देता है और इस सेल्फ डाउट में आप वर्थलेस फील करने लगते हैं। इसके बाद या तो आप एक गिल्ट में रहकर हमेशा अंदर ही अंदर खुद को कोसते हैं या फिर बस हर्ट होकर उनसे दूरी बना लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही केसेस में आपकी मेंटल हेल्थ बर्बाद हो चुकी होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ अर्ली साइंस की जो अगर आपकी फ्रेंडशिप में हैं, तो आप रियल और फेक फ्रेंड्स को पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे। साथ ही साथ ऐसे फेक फ्रेंड्स के चक्कर में अगर आप ऑलरेडी फंसे हुए थे और अब तक उनको पहचान नहीं पाए थे, तो उनसे अब कैसे डील करें इसके बारे में भी आज समझेंगे। फ्रेंडशिप वैसे तो एक प्राइसलेस गिफ्ट होता है, बट कई बार डिफरेंट रीजन से कुछ लोग फ्रेंडशिप की बाउंड्रीज को ओवरस्टेप कर देते हैं और आप उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। बट ऐसा जब एक इंसान आपके साथ बार बार करता है तो वो रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है। जेन्युइन एंड रियल फ्रेंड्स ऐसा नहीं करते। तो आज हम बताने वाले हैं ऐसे 5 टाइप ऑफ फेक फ्रेंड्स जिनके साथ आपको अपना रिलेशनशिप रीइवैल्यूएट करना होगा और जरूरत पड़ने पर एक हेल्दी बाउंड्री भी ड्रॉ करनी पड़ेगी बिफोर इट्स टू लेट। तो पहला टाइप है द अनसपोर्टिव वंस। देखिए, हर इंसान अपनी लाइफ में एक अलग ही जर्नी जी रहा है। अब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपकी स्टोरी मेरी स्टोरी से और मेरी स्टोरी किसी और की स्टोरी से मिलती हो। तो जाहिर है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अलग ही चेस कर रहे हैं और उसकी एक डिफरेंट कॉस्ट पे कर रहे हैं। वहीं पर आपके फ्रेंड के पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। अब एज अ ट्रू फ्रेंड आपको अपने फ्रेंड्स की जर्नी में एक कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, एंड सिमिलरली आपके रियल फ्रेंड्स को आपकी जर्नी न सिर्फ सपोर्ट और एनकरेज करनी चाहिए बल्कि आपकी सक्सेसेस को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा मोस्टली नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पीपल हु यू थिंक आर योर फ्रेंड्स, जैसे ही आप उनसे अपने गोल्स डिस्कस करते हैं, वो उनको चेज ना करने के आपको 100 रीजंस देकर आउटराइटली डिस्करेज कर देते हैं। इन चीजों के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए और जहां आपको ये सब बार बार होता दिखे, यू नो व्हाट यू नीड टू डू। भाई मैंने आज अपनी पहली सैलरी से एक नई स्विफ्ट खरीदी है। भाई मैंने तो अपनी पहली सैलरी से होंडा सिटी खरीदी थी। मेरा भाई लास्ट वीक ले लद्दाख की एक मस्त वाली ट्रिप से होकर आया है। यार तू कभी इंटरनेशनल ट्रिप्स क्यों नहीं मारता यार, डोमेस्टिक ट्रिप्स आर सो बोरिंग। अब ये होते हैं वन ऑफ फ्रेंड्स जिनको आपकी लाइफ या आपके अचीवमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आपको नीचा दिखाकर वन अप लेने में इनको अलग ही किस्म का हाई मिलता है। इन जैसों का नाम तो आप अपनी फ्रेंड लिस्ट से शीघ्र अति शीघ्र उड़ा दिए। ये आपको कभी भी फुलफिल्ड फील नहीं करने देंगे और पूरी जिंदगी आपकी इनके वैलिडेशन को ही तलाशती रह जाएगी। नंबर 3 है फेयर वेदर फ्रेंड। अब ये वो लोग होते हैं जो आपके साथ उस वक्त तक तो खड़े रहते हैं जब तक आपके पास इनको देने के लिए कुछ ना कुछ होता है। अब वो पैसे हो, स्टेटस हो, इमोशंस हो या उनकी कोई और टेम्पररी नीड जिसको आप फुलफिल कर रहे हैं, बट जिस दिन उनकी वो नीड पूरी हो गई या फिर आपने किसी वजह से उनको वो सब देना बंद कर दिया, इनके तेवर ही बदल जाते। तो ऐसे लोगों का पत्ता तुरंत साफ कीजिए क्योंकि इनकी प्रेजेंस आपकी लाइफ में आपके बुरे टाइम में आपको इमोशनल तौर पर बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। चौथा टाइप होता है द जेलस जॉनीज। अब वैसे तो ये अपने आप में पूरे एक वीडियो का टॉपिक है और इसको हम जल्दी कवर कर लेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि जेलस फ्रेंड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप मेरी बात समझे, सिंपल है, जो चले वो दोस्त ही नहीं। अगर आपका कोई सो कॉल्ड फ्रेंड आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है, किसी और से जल रहा है, किसी और से जलने वाली बातें कर रहा है, किसी और को बैड माउथ कर रहा है, तो मान लीजिएगा कि आपके पीछे भी वो आपकी बुराई करता होगा, आपसे जेलस रहता होगा। अगर इसके अलावा आपके पास होने वाली हर चीज को देखकर वो ये कहता हो कि अरे ये चीज मेरे पास भी होनी चाहिए थी, तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो आपसे सीक्रेटली जेलस। ऊपर ऊपर से तो नहीं, लेकिन बहुत ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि वो आपकी किसी खुशी से खुशी नहीं होता, बल्कि आपके किसी नुकसान को देखकर उसके अंदर के हैप्पी हॉर्मोन्स बनने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर दिए।
द मैनिपुलेटिव माइकल्स। अब ये वो लोग हैं जो आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक हैं। नो आई एम नॉट किडिंग। ऐसे लोग आपकी मेंटल हेल्थ पर सीधा असर डालते हैं, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके और आपको गैसलाइट करके। किसी भी फ्रेंड की बातों से अगर आप सेल्फ डाउट में पड़ जाते हो, हर बार अगर आपको फील होता है कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है या घुमा फिरा के हर चीज में सिर्फ आपकी ही गलती निकाली जा रही है, तो ये कुछ साइंस है एक मैनिपुलेटिव या गैसलाइट फ्रेंडशिप के। वैसे गैसलाइटिंग क्या है, कितनी खतरनाक है और आप उससे कैसे बच सकते हैं, इस पर एक वीडियो हमने ऑलरेडी इस चैनल पर बना रखा है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, उसको जरूर देखना। वी अंडरस्टैंड कि हर केस में रिलेशनशिप को कट ऑफ कर देना पॉसिबल या एटलीस्ट फीजिबल नहीं होता, और बात भी सही है। अगर किसी एक अच्छी किताब में एक दो पेजेस आपको सेंस नहीं बना रहे हो तो आप पूरी किताब को नहीं जला देते। तो ऐसे केसेस में एक फाइनल अटेम्प्ट करिए उस रिलेशनशिप को रिपेयर करने का। आइए जानते हैं ऐसे फ्रेंड्स को कन्फ्रंट कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप कुछ बातों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। पहला, एक सही टाइम और अप्रोप्रिएट जगह चुनिए इन कॉन्वर्सेशंस के लिए। लेट दिस पर्सन फील दैट यू आर सीरियस अबाउट दिस कॉन्वर्सेशन। दूसरा, इनके स्पेसिफिक बिहेवियर्स के अराउंड ही इस कॉन्वर्सेशन को प्लान कीजिए, और चाहे ये उनको इग्नोर भी करने की कोशिश क्यों ना करें, आपको टॉपिक से भटकना नहीं है। आपको इनको बताना है कि इनका ऐसा बिहेवियर कैसे आपकी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। थर्ड इज टू ट्राई टू अवॉइड डायरेक्टली अक्यूजिंग देम। अगर आप सीधे सीधे इनके ऊपर ब्लेम लगा देंगे तो ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप कभी रिपेयर नहीं हो पाएगा, उल्टा इससे शायद बनती हुई बात और बिगड़ जाए। आपको बस बताना है कि आप किस टाइप के बिहेवियर को अप्रिशिएट करेंगे और किस टाइप के बिहेवियर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब होपफुली वो आपके दिल की बात को समझेंगे और इन बिहेवियर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड आपको भी अगर ये रिलेशनशिप का कोई पास्ट ऐसा रहा है जिसने आपको बेनिफिट दिया है या आपके लिए वो खड़े रहे थे, तो उन्हें एक सेकेंड चांस जरूर देना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो फाइनली और सबसे डिफिकल्ट चीज, तैयार रहना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो नेगेटिवली रिएक्ट करने वाले हैं। शायद वो डिफेंसिव हो जाए, शायद वो आपको ही ब्लेम करने लगे, या फिर इस पूरे कॉन्वर्सेशन को ओवर रिएक्शन का नाम दे दें। इन दैट केस आई एम सॉरी टू टेल यू बट यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप में, पर खास करके फ्रेंडशिप्स में, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना बेहद जरूरी हो जाता है। बाउंड्रीज हमारी सेल्फ आइडेंटिटी और खुद को अनहेल्दी बिहेवियर से प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कहा है, मैं दोहरा रहा हूँ, आपको किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने पर कोई भी गिल्ट नहीं होना चाहिए। अब कुछ टिप्स फेक फ्रेंड्स के साथ बाउंड्रीज सेट करने के लिए। तो डिसाइड कीजिए कि फ्रेंडशिप में आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली और डायरेक्टली कम्युनिकेट कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए उन बाउंड्रीज को एनफोर्स करने में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो आपने वो बाउंड्रीज एस्टेब्लिश कर दी लेकिन कल उनके इसी बिहेवियर को आपने किसी भी वजह से एक्सेप्ट कर लिया। प्रिपेयर रहिए कि वो दोस्त आपकी बाउंड्रीज को चैलेंज कर सकते हैं। याद रखिए, आपको इमोशनल और मेंटल वेलबींग को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड्रीज सेट करने का पूरा हक है। अगर आपके दोस्त आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करते तो फ्रेंडशिप को रीइवैल्यूएट करने का टाइम आ गया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझिए। ऐसा कई बार होगा कि आपके रिलेशनशिप्स में ऐसा टाइम आएगा जिसकी वजह से कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस या सार एक्सपीरियंसेस आपको होंगे। याद रखिए, अगर ये एक ट्रू रिलेशनशिप है तो आपको इसको जरूर सैल्वेज करना चाहिए या बचाना चाहिए, क्योंकि ट्रू फ्रेंडशिप मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब जानते हैं हेल्दी रिलेशनशिप को कल्टीवेट कैसे करना है। जब आप अपनी लाइफ से फेक या टॉक्सिक फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके, एड्रेस करके और उन्हें हटा के आगे बढ़ते हैं तो फोकस करना चाहिए हेल्दी रिलेशनशिप को कल्टीवेट करने पर। कुछ टिप्स स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड सपोर्टिव फ्रेंडशिप्स के लिए। जेन्युइन कनेक्शंस ढूंढिए। ऐसे दोस्तों को ढूंढिए जो आपके वैल्यूज और इंटरेस्ट्स को शेयर करते हों और जो आपको अच्छा फील कराते हों। एक अच्छे लिसनर बनिए। अपने दोस्तों के लिए भी आप वहां हमेशा खड़े रहिए जहां उनको आपकी नीड हो, और सपोर्ट और एडवाइस दीजिए। ऑनेस्ट एंड ओपन रहिए। अपने फीलिंग्स और थॉट्स को ओपनली कम्युनिकेट कीजिए और उनकी भी थॉट्स को सुनने के लिए ओपन रहिए। फॉरगिविंग बनिए। हर कोई गलती करता ही है। अपने दोस्तों की गलतियों को माफ करके आगे बढ़िए और खुद से गलती हो जाने पर उनसे माफी भी मांगिए। फ्रेंडशिप को एंजॉय कीजिए, साथ में एक्टिविटीज प्लान कीजिए, ट्रिप्स प्लान कीजिए,
याद रखिए, असली फ्रेंडशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और सपोर्ट पर बेस्ड होती है। इन क्वालिटीज को कल्टिवेट करके आप लास्टिंग एंड हेल्दी फ्रेंडशिप्स बना सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपके क्या एक्सपीरियंसेस फेक फ्रेंड्स के साथ, टॉक्सिक फ्रेंड्स के साथ रहे हैं, उनको हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और ये भी बताइए कि आपने वो डील करने के लिए क्या किया। इस वीडियो से आपने जो भी सीखा उसको यूज करके गो अहेड एंड अनलॉक 2.0 यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ब्लूम एंड इवॉल्व।